चाहे ये मैच ड्रॉ हो गई, लेकिन जीत तो हमारी हुई ना, क्योंकि टीम टीम पेन को हमने ऐसा पेन दिया कि उसकी पेंसिल ही टूट गई। हाँ भाई, टीम पेन की टीम अब पेन से गुजर रही है, और उनका ये पेन मिटाने के लिए हम उनको इरेजर भी नहीं देंगे। हाँ भाई, वो लोग भ्रम में थे कि उनकी जीत होने वाली है, लेकिन विहारी ने तिहारी चाल चल के मैच को ड्रॉ कर दिया। हाँ भाई, नक्की नक्की बोलो तो विहारी और अश्विन ने तो छाती ही फाड़ दी उन लोगों की। बोला था मेरे ऊपर विश्वास रखो, मैं आपको सोप के अंदर से जीरा निकाल के दूंगा। वैसे तारीफ तो सभी की होनी चाहिए। हाँ भाई, सही बोला तूने, सही बोला। हम कोच की बात नहीं कर रहे थे। और वैसे भी पंत का गेम देखने लायक था, उसने नादान लायन को डायन के पास भेज दिया। और उसके सर के बाल मैंने नैनीताल में भेज दिया। एक बार तो लगा मैच हाथ से चले जाएगी, लेकिन मानना पड़ेगा मुन्ना, आप लोगों ने अपने अंदर के कबूतर को मुकद्दर बना के हम सबको सिकंदर बना दिया। वो टीम पेन कुछ ज्यादा ही बोल रहा था भाई, घर में बीवी नहीं बोले देती होंगी ना। इसलिए आप भड़ास निकालता है। मुझे तो डर लग रहा था कि वो मेरा पीछे से बटवाना मार ले। उसे लगा तेरा नाम ऐश है तो तेरे जेब में कैश है। हाँ भाई, इसलिए मैं अपना बटुआ ड्रेसिंग रूम में रख के आता हूँ, क्योंकि टीम पेन की हरकतें मुझे मालूम है। उतरिया, और मैं तो नहान जाता हूँ ना, तभी भूल जाता हूँ। अगली बार टीम पेन की पेंसिल ऐसे छील देंगे कि अगली बार वो स्लेजिंग करना ही भूल जाएगा। ट्यू स्मिथ भी कम नहीं है, कल अगर अंजलि होती तो पक्का उसे चीटर कहती। ए भाई, कुछ तो इज्जत करो, मैं यहीं पे हूँ ना, मैं अपना जूता नीचे घिस रहा था भाई। तेरे जूते को गोबर लगा था क्या? ये मेरा जूता है जापानी। तू तो ऑस्ट्रेलिया का है ना, या फिर तू भी जापानी है? अरे यार, मैं अपना यहाँ पे जूता लेने आया था, और आप लोग मुझे मेरे इलाके में जलील कर रहे हो। कल विहारी और अश्विन ने तुम सबको जलील कर दिया, अब क्या बचा है जलील करने के लिए? हाँ देखो भाई, मेरा जूता मुझे वापस कर दो, मैंने उसके पैसे भी नहीं दिए अभी तक। फ्री का माल वापरेगा तो ऐसा ही होगा। भाई, तुम्हारा जूता टीम पहन के गया। अच्छा अच्छा, ऐसी बातें, उसकी क्लास लेता हूँ अभी। स्मिथ भैया, हमको माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, खाना नहीं खाया कल से। पहले मेरे जापानी जूते मुझे वापस कर। स्मिथ भैया, वो मैंने चाइना में बेच दिए। मैंने जापान से खरीदा और तूने चाइना में बेच दिया? तुझे एक सच बात बताऊं क्या? हाँ बताइए बताइए। तू तो मुझे गरीबों का डॉक्टर स्ट्रेंज लगता है। ए स्मिथ भैया, हमारी ऐसी बेइज्जती मत करो ना, हम कैप्टन है कैप्टन, और हम माफी भी मांग रहे हैं। है, इसके माफी में भी मुझे चालाकी दिखती है। हाँ, इसीलिए मैंने भी अपने जूते छुपा लिए। स्मिथ भैया, हमका मंदिर का घंटा हूँ, जो कोई भी आके बजा जाए। अब याद आया मुझे, जब मैं मंदिर का घंटा बजाने गया था, तभी तूने पीछे से वो जूते चुरा लिए है ना। स्मिथ भैया, हमको माफ कर दो ना, मैंने गलती की पंच की बातें सुनकर। अब हमें इतना दर्द हो रहा है कि पेन किलर खाना पड़ रहा है। तेरे स्लेजिंग ने ही हमको डुबा दिया कल, तेरे स्लेजिंग के चक्कर में तूने तीन तीन कैच छोड़ दी, गड्ढा प्लेयर कहीं का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।